से एक बार स्वागत है। तो मेरा नाम है माथ सईद, आप देख रहे हैं माथ सईद यूट्यूब चैनल। तो इनका कहना है कि यहाँ पर एक सांप आया है, ये लगभग सिरसी से 6 से 7 किलोमीटर दूरी पर होता है, जो हेगड़े कट्टा रोड पर है। तो इनका कहना है कि घास में छुप कर बैठा हुआ है, क्योंकि हमेशा ऐसे घास में इनको गर्माहट मिलती है और गर्मी के दिनों में ठंडी मिलती है, तो ऐसी जगह में सांप आना ये आते रहते हैं। तो यहाँ पर चूहे भी होते हैं, इसीलिए वो भोजन की तलाश में अक्सर आते हैं। तो हमारे वीडियो में आखिर तक बने रहें, अगर हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आखिर तक बने रहें। तो हम देखेंगे कि कहाँ पर बैठा है वो करके। ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಎಳೀರಿ ಮರೆ ನೀ तो इसी के साथ आप ये देख सकते हैं, इसी को इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, हिंदी में नाग और गेहुअन के नाम से जानते हैं। ये बड़ा ही ख़तरनाक सांप होता है, इसमें न्यूरोटॉक्सिक नाम का पॉइजन पाया जाता है जो इंसान को चंद घंटों के अंदर मार सकता है। तो ऐसा सांप जिसे तो इससे धुरिया बनाना ही बेहतर होगा, क्योंकि ये पलक झपकते वार कर सकते हैं। इसका मुख्य भोजन होता है चूहा और छोटी छोटी चिड़ियाँ, गिरगिट, और ये उनके अंडों को खाता है। तो ये अक्सर हमारे घरों के आसपास आकर के घात लगा कर बैठते हैं, क्योंकि इनको शिकार जैसे ही मिलता है इसके ऊपर बिजली की तेज़ी से ये झपट पड़ते हैं और अपना गुजारा कर करके वापस घर से निकल कर चले जाते हैं। तो इसी दौरान इसी किसी को ये दिख जाए तो इसको पकड़ाना वो ज़रूर समझें, क्योंकि उनके जान का भी खतरा हो सकता है। तो ऐसे सांप काट ले तो उजागुनी झाड़फूक के चक्कर में ना रहें, तुरंत हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि बड़े गुस्सेले सांप होते हैं। इसमें न्यूरोटॉक्सिक नाम का पॉइजन पाया जाता है जो इंसान को चंद घंटों के अंदर मार सकता है। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सांपों से जुड़ा हर जानकारी आप तमाम लोगों तक पहुंचता रहा है। दोस्तों जय हिंद। उन प्लास्टिक डब्बे हम पैक करते हैं, तो हमारे वीडियो में बने रहें। तो ये वीडियो देखकर आप भी इस तरह से पकड़ने की डालने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसी वक्त खतरा होता है, तो सांप कहीं से भी पलट कर काट सकता है। तो ये एक एक्सपर्ट का काम है, तो हम भी उसमें एक्सपर्ट नहीं हुए हैं, तो हम भी फिर भी सीख रहे हैं, क्योंकि सांपों में जितना से सीखना पड़ता है उससे ज़्यादा हम सीखना पड़ता है, क्योंकि सांप हर वक्त उसका गुस्सा मापना तो हमें पता नहीं चलता। तो इसी के साथ हम जय हिंद।